अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, इट्स मी सरदार हमाद और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं मोहसिन अजीज, जिनका तल्लक रालवाकोट आज़ाद कश्मीर से है और अभी वो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं। आज हम लोग जिस तरह से लोगों ने हमारी जो पिछली वीडियो थी बड़ी पसंद की थी, लोगों की जो फीडबैक आई है उसी के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं और जो फाइनल जो इवेंट हुआ है उस पर रालवाकोट हॉक्स ने इवेंट अपने नाम पे किया है, ट्रॉफी रालवाकोट सिटी के नाम पे की है। ये ट्रॉफी एक सिटी की कामयाबी नहीं है बल्कि ये ट्रॉफी पूरे आज़ाद कश्मीर की कामयाबी है, ये आज़ाद एजे के गवर्नमेंट की कामयाबी है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की कामयाबी है, ये हमारी पाकिस्तान आर्मी और हमारे जितने सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी कामयाबी है। तो आज जो हमारा जो KPL हुआ है, जो लास्ट फाइनल मैच हुआ है, उसके बारे में हम लोग आज मोहसिन अजीज से पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मोहसिन अजीज। जी वालेकुम सलाम हमाद, क्या हाल हैं आप, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मोहसिन अजीज, आज हम आपसे पूछेंगे हमारे जो कश्मीर के जो टॉप प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस और हमारा जो कश्मीर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड हम आपसे पूछेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं KPL का जो इवेंट है वो कैसा रहा? थैंक्स अ लॉट हमाद फॉर इनवाइटिंग मी अगेन टू योर शो। लास्ट प्रोग्राम में हमने काफ़ी चीज़ें कवर की थी KPL के हवाले से, तो आज जो ये इवेंट के इख्तिताम पे हम ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो KPL इसकी जितनी भी तारीफ की जाए आई थिंक वो कम रहेगी। बहुत ही अच्छा इवेंट रहा, बहुत ही लोगों ने इसकी पजीराई की और एक कामयाब इवेंट आज़ाद कश्मीर की सतह पे और पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे आप कह सकते हैं। आप यहाँ से इसकी कामयाबी का अंदाज़ा लगाएं कि जो पहले 3 दिन थे इस टूर्नामेंट के, पहले 3 दिनों में ये टूर्नामेंट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में, डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, अराउंड 15 मिलियन, लगभग कोई 1.5 करोड़ लोगों ने इस टूर्नामेंट को जो पहले 3 दिनों में, जो 5 मैचेस हुए पहले 3 दिन में, उनको व्यूइंग उसकी रेटिंग, उसको व्यू किया लोगों ने। तो बहुत ही कामयाब इवेंट हुआ। जब ये टूर्नामेंट बढ़ता गया दिन ब दिन, इस टूर्नामेंट में जैसे हर दिन नया दिन आ रहा था इंटरेस्टिंग, और फिर जो जिस हिसाब से जो मैचेस हुए और जो पिचेस तैयार की गई थी, हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे, लोग वहाँ पे बायो सिक्योर बबल की वजह से और कोविड की वजह से चूंकि स्पेक्टेटर्स फुली अलाउ नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद एक बेहतरीन टूर्नामेंट। आई थिंक इसका क्रेडिट तमाम ऑर्गेनाइजर, जितने भी लोग KPL से मुतल्लिका लोग थे उनको जाता है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को जाता है, हमारी जो लोकल अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट ऑफ AJK के, मतलब जितने भी लोग इसके साथ एसोसिएटेड थे, मैं समझता हूँ सब ने बहुत ही एक बेहतरीन टूर्नामेंट और एक बेहतरीन इंतज़ाम के साथ ये टूर्नामेंट किया है और ये टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ और आई थिंक आज हर बंदा इंजॉय कर रहा है एक हमारी ये कामयाब इवेंट के। अच्छा ये जो माशाल्लाह, अच्छा ये जो इवेंट जो जिस मकसद के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था, क्या वो मकसद हासिल हुए? देखें बेसिकली तो इस टूर्नामेंट का जो मकसद था, एक तो आज़ाद कश्मीर को, आज़ाद कश्मीर की जो एक हमारी वहाँ पे स्पोर्टिंग फर्टिनिटी है उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, वहाँ के जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना एक बड़ा मेन रीजन में से था। मकासिद डेफिनेटली कि कोई भी चीज़ जब आपको पता है आगाज़ होता है उसको टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि जो अभी ये टूर्नामेंट हुआ है, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें इस टूर्नामेंट में, इवन पहले एडिशन, अभी एक ही एडिशन हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अचीव हो चुकी हैं इस टूर्नामेंट से। इस टूर्नामेंट का जो इम्पेक्ट पड़ा है, उसकी जितनी भी आप बात कर सकें वो कम होगी, क्योंकि बहुत इम्पैक्टफुल टूर्नामेंट रहा है, लोगों ने इंजॉय किया पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट को, फिर इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने इंजॉय किया, फिर जो व्यूज़, जो सीनरीज आ रही थी, जब वो ड्रोन कैमरा लग रहा था ऊपर से व्यू दिखा रहा था रावलाकोट शहर, मीरपुर सॉरी मुजफ्फराबाद शहर का, चूँकि रावलाकोट से हम बिलोंग करते हैं तो हमारे जहन में रावलाकोट, बट जो मुजफ्फराबाद की वो व्यूइंग आ रही थी दरियाए नीलम का, वो क्या बात, खूबसूरती से, खूबसूरती का तो कोई वहाँ पे एक आप ये कह सकते हैं कि किसी तरह से कोई कमी थी नहीं वहाँ पे, और फिर जो प्रोडक्शन टीम थी, तो मैं मकासिद आप जिस सेंस में भी इसको ले, आई थिंक मकासिद, इसके तमाम मकासिद जिस हवाले से ये टूर्नामेंट का
इनेकाद किया गया था। आई थिंक 100% तो नहीं पूरे हो सकते, कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है, लेकिन अराउंड 70-80% मकासिद इसके हासिल हुए हैं मेरे नज़दीक। अच्छा, जो ये कश्मीर के प्रीमियर लीग के जो टॉप जो बैट्समैन हो गए, जो बॉलर हो गए, आपकी नज़र में कौन कौन है? अच्छा, ये टूर्नामेंट चूँकि आपको पता है, इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, टॉप प्लेयर्स खेल रहे थे हमारे, जो इसमें बैटिंग साइड में अगर आप देखें तो इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर थे शर्जील खान ने इस टूर्नामेंट में टॉप किया बैटिंग चार्ट में। और सबसे जो अच्छी चीज़ है वो बॉलिंग में हमारे अपने रावला कोट से सलमान इरशाद, उन्होंने टॉप किया, उन्होंने 16 विकेट्स हासिल की, ही वाज डिक्लेयर द बेस्ट कश्मीरी प्लेयर। फिर बैटिंग में जिशान, मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ कि शर्जील अराउंड 296 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, फिर उसके साथ 284 रन जिशान अशरफ ने किए, फिर थर्ड पे शान मसूद थे, उन्होंने 254 किए, फिर शोएब मलिक, फिर काशिफ अली। ये एक ऐसा नाम है हमाद, काशिफ अली, आई थिंक ये आने वाले वक्तों में आप ये नाम बहुत सुनेंगे। अगर कोई, जिसने भी टूर्नामेंट को फॉलो किया है, तो काशिफ अली की बैटिंग से हर बंदा ही मुतासिर हुआ है, स्पेशली जो उन्होंने लास्ट दो मैचेस के अंदर बैटिंग की है, आई थिंक उसकी क्लास ही अलग थी। और फिर शान मसूद, फिर हुसैन तलत। तो बॉलिंग में सलमान ने टॉप विकेट टेकर रहे, फिर आसिफ अफरीदी, फिर उनके साथ नंबर तीन पे अमाद भट्ट थे, नंबर चार पे जमान खान, ये भी हमारे आज़ाद कश्मीर वीरपुर से हैं। तो ये इस तरह से ओवर, I mean, जिस तरह से बॉलर ने, अब जिस तरह से लास्ट जो हमारा फाइनल हुआ था, जिस बॉलर जो, मतलब हमारा जो लास्ट बॉलर था, उसने किस तरह से प्रेशर को हैंडल किया है, मतलब वो अल्फाज ही नहीं है मेरे पास बयान करने के लिए कि इतना मैच फंसा हुआ और इतना इंटरेस्टेड मैच देखने का तो मजा आ गया। जी तो अच्छा, ये जो जी बॉलर आसिफ अफरीदी थे जिन्होंने आखिर में बॉलिंग की और उन्होंने नौ रन बचाए, उन्होंने दस रन बहुत अच्छी। वो बड़े एक्सपीरियंस क्रिकेटर हैं डोमेस्टिक लेवल पे, उन्होंने बड़ा काफ़ी टाइम से वो खेल रहे हैं और बड़े अच्छे स्पिन बॉलर हैं वो, लेफ्ट आर्म स्पिनर, और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इनमें से जो टॉप प्लेयर्स हैं जो आपने नाम मेंशन किए हैं, इनमें से कितने कश्मीरी जो हैं आप समझते हैं कि अच्छे उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और आगे जाके जो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल टीम है उस पे वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आपके नज़र में क्या, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? इसमें जो मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया, सलमान इरशाद, उनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही, वो बेस्ट प्लेयर डिक्लेयर हुए कश्मीर के, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, उनकी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट नज़र आई, वो एक क्लास अपार्ट नज़र आए बॉलिंग के अंदर, और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके साथ जमान खान ने बॉलिंग में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वो मीरपुर से हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बैटिंग में थोड़ा सा। और फिर शादाब मजीद ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया बॉलिंग में, हालांकि उनको थोड़ी सी पिटाई उनकी हुई, बट उनके अंदर काफ़ी उनके अंदर टैलेंट नज़र आया, काफ़ी उन्होंने अपनी बॉलिंग से बहुत सारे जो लोग हैं उनको मुतासिर भी किया, और इवन जो कमेंटेटर्स थे उन्होंने भी उनके बारे में काफ़ी अच्छे अल्फाज में उनको एक अच्छा टैलेंट समझा कि ये एक अच्छा टैलेंट है। अच्छा, जो ये बैटिंग में आई थिंक जो मैंने आपसे पहले भी लास्ट जो कमेंट्स थे उनमें मैंने आपसे डिस्कस किया, काशिफ अली हमाद, ये कोटली से हैं काशिफ अली, बट ये बेस्ड हैं यूके में, और मैंने जो इनका रिकॉर्ड चेक किया है, आई थिंक ये कोई बहुत ज़्यादा क्रिकेट वहाँ पे खेले नहीं हैं, खेले हैं माइनर लेवल पे खेले हैं, बट अभी तक वहाँ पे प्रॉपर ये काउंटी क्रिकेट नहीं खेले। लेकिन जिस ठहराव के साथ, जिस इतना बड़ा लेवल, आप ये देखें कि उस टीम में अहमद शहजाद, उस टीम में बिस्मिल्ला खान, उमर अमीन, हुसैन तलत, दानिश अजीज, शाहिद अफरीदी, इमरान रंधावा, ये उस टीम रावला कोट हॉक्स जो चैंपियन हुई है उसकी बैटिंग लाइनअप थी,
और जब ये पहला मैच खेले थे इनको इतना चांस नहीं मिला था, आई थिंक नंबर 7 पे इन्होंने बैटिंग की थी, लेकिन जो उसके बाद एक मैच में इनको ऊपर इन्होंने भेजा और टीम मैनेजमेंट ने उन्होंने उस मैच में 50 रन किए। फिर उसके बाद जो काशिफ ने बैटिंग की सेमीफाइनल में, जहां पे रावला कोट हॉक्स ने 237 रन चेस किए, वो इनिंग्स आई थिंक जब बंदा देखता है तो हैरान रह जाता है। आई थिंक उसमें क्लास उन्होंने दिखाई, क्या बैटिंग की उन्होंने हुसैन तल्लत के साथ, उन्होंने जो पार्टनरशिप की, फिर जिस तरह से उन्होंने बॉलर्स को टेक ऑन किया, इतना हाई लेवल प्रेशर, और उसमें काशिफ ने इतने कंपोजर के साथ बैटिंग की कि यकीन करें देख के मज़ा आ गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में वो, अगर उनको, चूंकि वो बेसिकली हैं यूके बेस्ड, और जो यूके बेस्ड हैं, और वो उनकी जो जो नेशनलिटी है वो भी आई थिंक यूके की ही है, और वो खेल भी एज अ ओवरसीज कश्मीरी रहे थे, आई डोंट नो उनका कितना एक उनको कितना चांस मिलेगा डोमेस्टिक लेवल पे, बट ही इज़ अ वेरी गुड टैलेंट, और आई थिंक वो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में उनकी उन्होंने अगर मेहनत जारी रखी तो वो उनके अंदर तमाम पोटेंशियल मौजूद है कि वो हाई लेवल की क्रिकेट में जा सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, हमाद में कुछ प्लेयर्स के नाम लूँगा जो आज़ाद कश्मीर से खेल रहे थे, जैसे मीरपुर से अरसलान आरिफ थे, नवीद मलिक कोटली से हैं, फिर उसके बाद मुजफ्फराबाद से उस्मान यूसुफ लेग स्पिनर थे, फिर साथ में जो हमारे रावला कोट से पुंछ से डिस्ट्रिक्ट पुंछ से इंजमामुल हक थे, फिर फैज़ान सलीम एक मीरपुर से फास्ट बॉलर थे। इन तमाम प्लेयर्स को उस तरह से चांस नहीं मिल सके, मीरपुर से हसन रज़ा भी हैं, स्पेशली बैटिंग साइड में, चूंकि आपको पता है तमाम पाकिस्तान से प्लेयर्स आए थे और वो बड़े सारे अच्छे बैट्समैन खेल रहे थे, तो बैटिंग में और खेल भी दो कश्मीरी प्लेइंग 11 का हिस्सा थे, तो उस तरह से प्रॉपर बैटर्स को चांस नहीं मिल सका, जिस वजह से वो ज़्यादा परफॉर्मेंस बैट्समैन की नज़र नहीं आ रही। बॉलिंग में आप अब देखें टॉप 10 में 3 आज़ाद कश्मीर के प्लेयर्स हैं, सलमान, जमान खान और शादाब मजीद, तो बैटिंग साइड में थोड़ी सी कमी रही क्योंकि उस तरह से चांस प्लेयर्स को नहीं मिला। बट जहां तक बात है प्रेशर को हैंडल करने की, तो वो काफ़ी हद तक इन लड़कों में नज़र आया है कि तमाम लड़कों में एबिलिटी मौजूद है कि अगर उनको प्रॉपर चांसेस दिए जाएं तो वो आगे चल के काफ़ी अच्छे तरीके से डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं और फिर पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए अपना एक केस उनका सामने आ सकता है, और वो अगर यही परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। अच्छा, ये जो हमारे प्रेसिडेंट मलिक साहब ने एक अनाउंसमेंट की है, एक नई टीम को वो ऐड करना चाह रहे हैं जम्मू जांबाज के नाम से, तो इस टीम ऐड, एक और टीम ऐड करने से जो हमारा जो कश्मीरी टैलेंट है उसको कितने और मौके मिल सकते हैं? जी, ये हमारे जो प्रेसिडेंट हैं केपीएल के, जो उन्होंने क्लोजिंग सेरेमनी में जो अनाउंस किया कि आज़ाद कश्मीर के नेक्स्ट केपीएल के एडिशन में एक और टीम ऐड की जा रही है जम्मू जांबाज के नाम से, तो वो उसके ऐड होने से आप ये देखें कि और प्लेयर्स को मौके मिलेंगे, 7 टीम्स हो जाएंगी, और उससे फिर एक और एडिशन होने के साथ फिर टीम के अंदर 2 प्लेयर्स और खेलेंगे कश्मीर के, अगर यही रूल्स रहते हैं या यही रेगुलेशंस रहती हैं, और फिर अराउंड 5 प्लेयर्स पिक होंगे, तो आई थिंक टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 35 हो जाएंगे जो आज़ाद कश्मीर से पिक होंगे, तो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा साइन है। फिर नंबर ऑफ मैचेस इंक्रीज हो जाएंगे, इस बार तो पूल मैचेस जो हुए वो ग्रुप मैचेस आई थिंक 15 मैचेस थे, अगर जब ये 7th टीम होगी तो फिर वो 21 हो जाएंगे ग्रुप मैचेस, तो टोटल 25 मैचेस होंगे, तो उससे तो काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, और जो नाम रखा है आई थिंक जम्मू जांबाज, उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि उसका कितना इम्पेक्ट आएगा। अच्छा, मैं आपसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, जिस तरह से आपको पता है कि रावला कोट हक्स ने ट्रॉफी अपने नाम पे की है और जिस सिटी से उनका तल्लक है वहाँ पे तो ग्राउंड ही नहीं है,
अब मैं अपने बारे में बताता चलूं तो मेरा तलक बेड़ी आज़ाद कश्मीर से है, बेड़ी पाछोड़ से। तो वहाँ पे ऑल पाकिस्तान क्रिकेट टूर्नामेंट होती है और वहाँ पे रालवाकोट और बाग के जो लोग हैं वो इस इवेंट को कामयाब बनाते हैं। और इस इवेंट में पंजाब से आते हैं, सिंध से आते हैं, फैसलाबाद से आते हैं, मतलब इतने दूर दूर से लोग आते हैं और इस इवेंट को इतना कामयाब बनाते हैं। तो आपकी नज़र में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप क्या कहेंगे और किस किस इलाके में ग्राउंड होना चाहिए? जी, रावलाकोट हॉक्स की जहाँ तक आपने बात की और स्पेसिफिकली जो आपने बेड़ी आज़ाद कश्मीर की बात की, तो जो वहाँ पे टेप बॉल क्रिकेट होती है, आई थिंक हमारे रावलाकोट के वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स में से एक टूर्नामेंट वहाँ पे होता है। और वहाँ पे लेटली काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है वहाँ के लोकल लोगों ने और बहुत ज़्यादा वहाँ पे ग्राउंड के हवाले से भी काफ़ी मेहनत हुई है, तो आई थिंक उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। रावलाकोट के अंदर जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमारे पास ग्राउंड ही नहीं है हमाद क्रिकेट का। आप ये यकीन मतलब आप ये देखें कि जो जिस तरह से जो हमारा लेवल है आज, हम नो डाउट ये प्लेयर्स पाकिस्तान से ही खेल रहे थे बट रावलाकोट का एक नाम तो सामने आया मुजफ्फराबाद में। और एजे के गवर्नमेंट इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कितना सीरियस है आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। इससे पहले कि अभी तो चूंकि वहाँ पे पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, अभी वो नई गवर्नमेंट आई है तो उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, बट इससे पहले आप खुद नोटिस कर लें अगर आज तक वहाँ पे ग्राउंड नहीं बन सका तो कितनी एक सीरियस हुई होगी। और फिर आप ये देखें कि वहाँ पे हम जहाँ से बिलोंग करते हैं रावलाकोट से, पिछले 20-25 सालों में हमारे तमाम बड़े लोग बड़े उहदों पे रहे हैं, प्रेसिडेंट, इवन प्राइम मिनिस्टर भी हमारे अलहाज सरदार याकूब खान साहब प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं वहाँ पे। उसके साथ अभी भी आप देख लें जो प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं सरदार अब्दुल कयूम नियाजी साहब, वो अब्बासपुर से ताल्लुक रखते हैं, उसी रीजन उसी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं वो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट्स ने इससे पहले फोकस किया होता खेलों पर तो आई थिंक आज हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड होते, बट अनफॉर्चुनेटली मुजफ्फराबाद में भी ये जो ग्राउंड है इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट यहाँ पे मैं तनवीर मुगल साहब को दूंगा, जो जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस ग्राउंड के ऊपर। उनका नाम बहुत ज़्यादा सामने नहीं आया लेकिन चूंकि हमें पता है जो लोग हम क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड रहे हैं उनकी बहुत मेहनत है इस ग्राउंड के साथ, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस ग्राउंड के ऊपर मेहनत की, जो आज ये आपको सब कुछ नज़र आ रहा है ये रातों रात नहीं, वो आज से 10 साल पहले इस ग्राउंड की ये पोजिशन नहीं थी बट उन्होंने बड़ी मेहनत की इस ग्राउंड में और इस इवेंट को कामयाब किया। फिर मीरपुर में ग्राउंड मौजूद है, बाग में ग्राउंड मौजूद है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रावलाकोट के अंदर हमारे प्लेयर्स को कोई सहूलत नहीं है ग्राउंड के हवाले से। वो कॉलेज के ग्राउंड में खेलते हैं, वहाँ पे आपको पता है टाइमिंग का सबसे बड़ा इशू है, वहाँ पे टाइम जो क्लासेस का टाइम होता है उसके बाद टाइम बचता है, तो हमारे पास तो क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है रावलाकोट के अंदर। फिर भी उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नो डाउट ये प्लेयर सारे पाकिस्तान से ही खेल रहे थे बट उसके बावजूद भी आप देखें कि रावलाकोट चैंपियन बना है। होप सो, उम्मीद ये की जाती है कि इसके बाद रावलाकोट के लिए रावलाकोट के हवाले से ओनर्स भी काम करेंगे जो रावलाकोट हॉक्स के हैं और प्लस जो हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी काम करेंगे और रावलाकोट के अंदर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। होप उम्मीद यही है हम, और इसके लिए हम जितनी आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह हमारी तरफ से, हम जो स्पोर्ट फर्टिनिटी के लोग हैं इंशाल्लाह हम आवाज़ उठाएंगे और वहाँ पे जो हमारे लोकल जो हमारे वहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड लोग हैं मैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तमाम भी एक 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 वफद की सूरत में जाएँ, वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात करें। अब वहाँ पे चूँकि तनवीर इलियास साहब, सरदार तनवीर इलियास साहब सीनियर मिनिस्टर हैं इस गवर्नमेंट के, वो वहीं से बिलोंग करते हैं, तो आई थिंक पीटीआई की गवर्नमेंट से एक चीज़ तो मैं वाज़े तौर पे कह सकता हूँ, चूँकि पाकिस्तान में स्पेशली केपी में उन्होंने करके दिखाया है कि टूरिज़म के हवाले से और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से उन्होंने केपी के अंदर बहुत काम किए हैं, तो उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह ये जो ये गवर्नमेंट है, चूँकि अभी ये गवर्नमेंट बनी है तो होप्स हो कि इस गवर्नमेंट के अंडर ये काम होगा। और शरियार अफरीदी साहब ने जिस तरह से इंटरेस्ट लेके केपीएल को कामयाब करवाया है,
उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो हमारा दरीना मुतालबा रावला कोर्ट के हवाले से है उसके ऊपर भी वो फोकस करेंगे और रावला कोर्ट को एक स्टेडियम के हवाले से रावला कोर्ट के को एक स्टेडियम दिया जाएगा क्रिकेट का इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो KPL हुआ है माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इवेंट, ये क्योंकि फर्स्ट इवेंट था, इतना ज़बरदस्त इवेंट रहा, जिस जोश और जज्बे से लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है तो उसके हमारे लिए अल्फाज नहीं है। और जो जोश और जज्बा, मतलब जो प्लेयर्स से हट के जो स्टेडियम के जो लोग थे उनमें जो नज़र आ रहा था जोश और जज्बा, अवाम में जो जोश और जज्बा था, मतलब वो तो अल्फाज ही नहीं है हमारे पास कि उस जोश और जज्बे को हम लोग बयान कर सकें। तो हम नेक्स्ट जो हमारा जो होगा KPL का जो इवेंट है उसको हम लोग किस तरह से कामयाब कर सकते हैं? देखें, नेक्स्ट इवेंट नेक्स्ट ईयर होना है और उम्मीद की जा सकती है कि वो भी इंशाल्लाह इसी तरह से एक ये लीग अब ग्रो करेगी और एक ये बेहतरीन लीग बनेगी। चूँकि पाकिस्तान में आपको पता है PSL भी होता है और उम्मीद ये की जाती है कि PSL के साथ के KPL एक सेकेंड इवेंट होगा और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ जिस तरह से प्लेयर्स ने इसको सीरियस लिया, तमाम प्लेयर्स आए। नेक्स्ट ईयर हम उम्मीद करते हैं कि ये जिस टाइम पे ये टूर्नामेंट हो उस टाइम पे हमारे तमाम प्लेयर्स अवेलेबल हों, लाइक्स ऑफ बाबर आजम, शाहीन, हसन अली, शादाब खान, फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान, जो भी हमारे जो इस टाइम करंट टीम में खेल रहे हैं, अगर वो सब प्लेयर्स आएंगे तो ये एक इस टूर्नामेंट का और मज़ा दुबाला हो जाएगा। बट मैं समझता हूँ यहाँ पे चूँकि ये कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से कुछ इसमें चेंजेस ज़रूर होनी चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए। जैसे अब अगर 7 टीम्स होंगी तो उनमें एक अभी जो था कि 3 प्लेयर्स खेल रहे थे, और एक और चीज़ हम आज यहाँ पर मैं मैंशन ज़रूर करूँगा कि जो आरिफ मलिक साहब प्रेसिडेंट हैं KPL के, जो उन्होंने एंड क्लोजिंग सेरेमनी में जो अनाउंस किया कि जो K20 के नाम से एक लोकल टूर्नामेंट होगा, इसके बाद जो KPL एंड हुई है इसके 2-3 मंथ के बाद उन्होंने ये ऐलान किया है कि एक K20 के नाम से लोकल प्लेयर्स का टूर्नामेंट होगा जिसमें सिर्फ कश्मीरी खेलेंगे। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, एक चूँकि आपको पता है हमारा वहाँ पे एक बड़ा मुतालबा आ रहा था कि हमारे अपने प्लेयर्स नहीं खेल रहे, तो अब ये जो मैं उस दिन बात कर रहा था वो अब उस चीज़ को आप ये देखें कि उस चीज़ को एक उसके ऊपर एक स्टैंप लगी है कि अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे उन प्लेयर्स के पास, लोकल प्लेयर्स के पास, जो रावला कोट के प्लेयर्स हैं या मीरपुर के हैं, मुजफ़राबाद के, कोटली के, ये जितने भी प्लेयर्स हैं इन तमाम प्लेयर्स को अब ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी डिफरेंट टीम्स के अंदर वो जाएं, परफॉर्म करें, रन्स करें, बॉलर्स विकटें लें, बैट्समैन रन्स करें, और फिर जो नेक्स्ट KPL होगी डेफिनेटली फिर उनका नाम सामने आएगा। फिर देखें, अगर आप परफॉर्म करेंगे, आप रन्स करेंगे, अब ये काशिफ अली की मिसाल सबके सामने है। काशिफ अली को कौन जानता था आज़ाद कश्मीर के क्रिकेट में? मैं तकरीबन मोस्टली प्लेयर्स को जानता हूँ, मैं काशिफ अली को नहीं जानता था, बट आज हर बंदा बात काशिफ अली की कर रहा है क्योंकि उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया, उनको मौका मिला। इस तरह से कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको जो मेरे ख्याल में खेलेंगे तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपना परफॉर्मेंसेस दें, फिर नेक्स्ट ईयर उनको कोई रोक नहीं सकेगा, जब ड्राफ्ट होगा तो फिर वो डेफिनेटली पिक होंगे। तो होप्स हो कि ये टूर्नामेंट होता है, जो जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया कि ये 2-3 मंथ के अंदर इस टूर्नामेंट ने होना है, तो आई थिंक अगर ये टूर्नामेंट हो जाता है, और वो भी टूर्नामेंट उन्होंने ये अनाउंस किया है कि इट गोना बी टेलीवाइज्ड लाइव, और फिर उस टूर्नामेंट को भी अगर लाइव टेलीवाइज किया जाएगा तो फिर आप ये देखेंगे वो प्लेयर्स टीवी पे भी नजर आएंगे। सिर्फ उनका ये नहीं होगा कि खेलेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा कैसा खेल रहा है, और आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, अब एकदम हाइप मिल जाती है हर चीज़ को। फिर मैं सिर्फ यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट टूर्नामेंट हो उसमें एक तो टूर्नामेंट की चूँकि लेवल बरकरार रखना पड़ता है, जो एक टूर्नामेंट हो रहा है जिस लेवल पे उसको बरकरार ज़रूर रखना पड़ेगा, तो अगर 2 के बजाय 3 प्लेयर्स को अलाउ किया जाए कश्मीर के प्लेइंग 11 में, एक तो है आप स्क्वाड में, तो स्क्वाड में आप 5 के बजाय 6 प्लेयर्स रख सकते हैं, फिर उसके साथ आप ये कर सकते हैं कि 2 प्लेयर्स को आप 2 के बजाय प्लेइंग 11 में अगर आप 3 प्लेयर्स अलाउ करेंगे
तो इट विल बी अ डिफरेंट ऑल टुगेदर, एक डिफरेंट इन्वायरमेंट आ जाएगी। फिर आप ये देखें कि हर मैच के अंदर 6 कश्मीर के प्लेयर्स खेलेंगे, तो ये एक बड़ा एक बड़ी अच्छी चेंज हो सकती है। फिर उसके साथ आई थिंक नेक्स्ट ईयर अगर ये इसी तरीके से होता है तो आई थिंक अराउंड 24-25 मैचेस होंगे। तो वो होप्स हो, क्योंकि जो हमारा मीरपुर का ग्राउंड है वो भी तकरीबन रेडी है, उसमें भी थोड़ा सा काम होना बाकी है। और आई थिंक अब जो अथॉरिटीज़ मीरपुर में हैं, जो लोग स्पोर्टिंग फर्टिनिटी के लोग हैं वहाँ पे, नासिर भट्ट साहब हैं, वो लोग इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर अगर ये टूर्नामेंट आधा मीरपुर में हो जाते हैं मैचेस और फिर आधे मैचेस मुजफ्फराबाद में होते हैं, तो इसमें डिफरेंट लुक होगी। क्यों, जब मैं बाकी डिस्ट्रिक्ट की इसलिए बात नहीं कर रहा कि आई थिंक जिस तरह की प्रोडक्शन हो रही है या जिस तरह से प्रोडक्शन की जाती है उसके लिए आई डोंट थिंक सो कि अभी बाकी हमारा कोई स्टेडियम रेडी है। बाग अच्छा हमारे बाग है। बाग के तो लोग कहते हैं कि जी के बस आई है ग्राउंड काफी था रालवा कोट ने और बागा ने लोके क्या आज मैच ऐसे नहीं था रालवा कोट ने जड़े लोग भी ऊपरा बुंद देखे आप चूंकि अपनी हमारी अपनी लैंग्वेज है उसमें आपने ये भी देखा होगा कि मीम्स में माशाल्लाह बाग के और रावला कोट मासेरों का और मुर्शिदों का मुकाबला चला पूरा और बड़े अच्छे अच्छे मीम्स बने। हमने बड़ा इंजॉय किया यहाँ पे बैठ के, अपनी वो सारी चीज़ों को मिस भी किया। आई थिंक एक बेहतरीन इवेंट रहा ऑल टुगेदर। आई थिंक जिन लोगों ने शुरू में इसके ऊपर थोड़ी तनकीद भी की, एंड ऑफ द डे उन्होंने भी रियलाइज किया कि एक बेहतरीन इवेंट हुआ है। जिस तरह से हमारे रावला कोट से लोग गए, आपने देखा होगा कितने हमारे दोस्त थे जो गए जिन्होंने जाके मैच देखा, फिर रावला कोट टूर्नामेंट जीता। तो आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट इवेंट। कुछ इसमें चेंजेस डेफिनेटली आएंगी, जो अभी साइंस नजर आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ये इससे अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज होगा और होप सो इट कंटिन्यूज, इसी तरह चलता रहे ये टूर्नामेंट और प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्लेयर्स इस टूर्नामेंट और इस जो प्लेटफॉर्म है इससे फ़ायदा उठाएंगे। और आगे आप देखिएगा अगले साल, लास्टली मैं बताता चलूँ कि नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इस साल बहुत सारे प्लेयर्स को इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये टूर्नामेंट किस लेवल पर हो रहा है, अब नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर बहुत सारे प्लेयर्स आपको ऐसे नज़र आएंगे कि जो इस साल उस तरह से उन्होंने इस टूर्नामेंट को, चूंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था अभी कि इतना टूर्नामेंट कामयाब होगा, तो नेक्स्ट ईयर और बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे और इंशाल्लाह बहुत ज्यादा टैलेंट सामने आएगा इस टूर्नामेंट से। आजाद कश्मीर का बहुत सारा टैलेंट और सामने आएगा इंशाल्लाह तआला। ये थे जी मोहसिन अजीज हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से, और मैं हूँ आपका होस्ट सरदार हमाद रावलकोट आजाद कश्मीर से। इसी तरह इस फिर मिलेंगे हम लोग एक नई वीडियो के साथ। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह तआला। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़।